फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। एंट्रेंस निकालना है तो यह चीज़ जरूर जान लेनी चाहिए कि एंट्रेंस का सूत्रधार क्या होता है। एंट्रेंस का सूत्रधार बस एक चीज़ होती है, एंट्रेंस का पेपर सेट करने वाला और उसका माइंड सेट। इसी चीज़ को लेकर मैंने कई बार अपनी पोस्टों में भी चीज़ें लिखी हैं, इसके बावजूद बहुत सारी क्वेरीज मेरे सामने आती हैं। इसी को लेकर मैं प्रॉपर वीडियो के थ्रू ये चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ कि आपको कैसे अपना पूरा माइंडसेट बनाना है एंट्रेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, और पेपर सेटर के माइंडसेट को समझना है जिससे कि एंट्रेंस में आप कोई भी गलती ना करें और वही कंटेंट पढ़ें जो आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलता हूँ मैं सीधे कंटेंट की तरफ। यहाँ पर है क्या, कोई भी पेपर आप उठा लीजिए तो वह पेपर एक टीचर और या फिर पूरे टीचरों के ग्रुप की एक प्रेरणा होती है कि हम एंट्रेंस का पेपर कैसे सेट करें। याद रखिए, जब कोई एंट्रेंस का पेपर सेट किया जाता है ना, तो इस चीज़ को मान के सेट किया जाता है कि इसके लेवल को 3 लेवल पे रखा जाता है, इजी, मीडियम एंड हार्ड। 3 लेवल होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो बच्चा हार्ड लेवल पर अटक जाता है वो ईजी में आने वाले नंबर्स को छोड़ देता है। हर एक क्वेश्चंस को एक ही नंबर की मार्किंग मिलती है, कई जगह नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हार्ड क्वेश्चंस आप याद रखें, कोई भी एंट्रेंस होता है तो उसमें उसका पासिंग परसेंटेज केवल 50-60% होता है। अगर आप 100 क्वेश्चन की कैटेगरी में अगर आप 60 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप एक अचीवर हो जाते हो, एक सीट होल्डर हो जाते हो। तो वो 20% जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं आप उस पर क्यों अटक जाते हो, इन्हीं सारी क्वेरीज को लेकर मैं आप सबके सामने हर एक पहलू को खोल के रख दूंगा कि आपको अपने एंट्रेंसेस में सफलता कैसे सुनिश्चित करनी है और पेपर सेटर के माइंडसेट को कैसे समझ लेना है। याद रखें, यह वीडियो आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप पेपर को पढ़ते हैं तो पेपर के पढ़ने के दौरान आप याद रखें सीक्वेंस से पेपर पढ़ें। जैसे मैं एक BHU का रेफरेंस लेता हूं, BHU के प्रीवियस ईयर पेपर के अगर आपको चाहिए तो BWCampus.com पे 10 से 20 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आप जाइए उनको डाउनलोड करिए। मैं अमूमन 10 साल तो बोलता ही बोलता हूं कि अगर पेपर सेटर का माइंड सेट रीड करना है तो 10 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उससे हमें अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि एग्ज़ाम चाहता क्या है हमसे, एग्ज़ाम पूछ क्या रहा है और हम तैयारी क्या कर रहे हैं। अगर दोनों अलग धाराएं में हो जाएंगी तो हम कैसे एंट्रेंस को क्रैक करेंगे, कैसे हमारे नंबर ज़्यादा होंगे। इसीलिए इस चीज़ को समझना महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पर देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हैं, जैसे मैंने 2011 से पेपर पढ़ना स्टार्ट किया 2019 तक का, तो 2011 का पेपर पढ़ा तो पेपर में केवल यही नहीं पढ़ा, पेपर के हर एक क्वेश्चंस किस टॉपिक से बिलोंग करते हैं ये भी मैंने वहाँ पर डाला। इसके बाद जब 2012 पढ़ूंगा तो फिर मेंशन करूंगा, 13 पढ़ूंगा मेंशन करूंगा, इसी हिसाब से मैं श्रेणी 2019 तक लेके आऊंगा। श्रेणी 2019 तक आपको भी लेके ऐसे ही आना है। यहाँ पर होगा क्या, आप एक पॉइंट समझ लोगे कि फैमिली ईयर टॉपिक्स क्या थे 2011 से लेकर 2019 तक। फैमिली ईयर टॉपिक आपका क्या था जो आपको रिपीट हुआ है। आप कहते हो ना प्रीवियस ईयर से, सर प्रीवियस ईयर पेपर से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उस चीज़ को खुद से आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं, अक्सर उनके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे पार्टनरशिप का अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, कि पार्टनरशिप बना कब, तो वो आ गया। अगले में पार्टनरशिप का डेथ रेशियो आ गया, न्यू एडमिशन पार्टनर का आ गया। यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट ना होने पर कौन सा चीज़ लागू होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, या फिर अकाउंटिंग से लेकर उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। ये चीज़ होती है कि उस टॉपिक से आप बहुत सारे सब टॉपिक्स बनते हैं। उन सब टॉपिक्स की जब एक श्रेणी 2011 से 19 तक आप लेके चले आते हो ना, तो आप ये चीज़ समझ जाते हो कि पेपर सेटर ने क्या सोचकर पेपर को साल दर साल सेट किया है और आपका माइंड भी उसी हिसाब से सेट हो जाता है। आप तैयारी जब एंट्रेंसेस की करते हो तो केवल एक चीज़ का ध्यान देते हो कि आज मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, जो कि सबसे गलत प्रेरणा है आपकी पढ़ने की। एंट्रेंस में मल्टी सब्जेक्ट्स आते हैं, जब मल्टी सब्जेक्ट्स होता है तो हमें डेली बेसिस पे मल्टी सब्जेक्ट्स को कंज्यूम करने की ताकत होनी चाहिए। यही चीज़ होती है जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, तो हम मल्टी पर्पज़ वाला दिमाग अपना डेवलप कर पाते हैं एंट्रेंसेस के लिए, और यही आपके लिए सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे करना क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर इस प्रक्रिया के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है,
7080005201212 पे कॉल करिए, कोई भी बात नहीं समझ में आती है। और इन सारी प्रक्रियाओं को करके, रिसर्च को करके BW कैंपस ने अपने कोर्सेज बनाए हुए हैं, अगर आप उनको लेते हैं तो ये सारी झंझट आपको देखनी ही नहीं पड़ेगी, जो आपको लग रहा है कि बहुत सारे मुझे करनी पड़ेगी मेहनत और मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊँगा। तो BW कैंपस के कोर्सेज भी हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो एंड कैरी ऑन कर सकते हो कोर्सेज के साथ। कॉल करिएगा 7080005201212 पर, आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं 24/7। ठीक है दोस्तों, अपने एंट्रेंसेस में चूकिएगा नहीं, याद रखिए यह एंट्रेंस है, बहुत ही इंटेंस है, आपको पल पल का ख्याल रखना है, एंट्रेंस आपका जरूर होगा, नेवर गिव अप।